इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि 14 अगस्त यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले, इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले, अब विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली रेप विक्टिम के परिजनों की तस्वीर शेयर करने के मामले में राहुल गांधी और फेसबुक की मुश्किल बढ़ गई है। इस मामले में NCPCR ने फेसबुक को 17 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। NCPCR ने फेसबुक के सत्या यादव को नोटिस भेजकर 17 अगस्त को शाम 5 बजे तक पेश होने को कहा है। NCPCR ने शुक्रवार को फेसबुक को पत्र लिखकर मांग की थी कि वो रेप पीड़िता के माता पिता की तस्वीर पोस्ट करने को लेकर राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करें और वीडियो को हटाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद फेसबुक को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में यह पूछा गया कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। NCPCR की चेयरमैन प्रियंका कानून को हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। प्रियंका, आप ये बताएं कि जो नोटिस दिया गया है, उस नोटिस में क्या बातें आपने पूछी हैं और कब तक पेश होने के लिए कहा गया है? प्रियंका, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम दोबारा संवाद स्थापित करेंगे। NCPCR चेयरमैन प्रियंक कानून को हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उन्हीं से जानेंगे कि NCPCR ने फेसबुक को पेश होने का जो नोटिस भेजा है उनमें क्या बातें शामिल की गई है और ये नोटिस क्यों भेजा गया है, कब तक फेसबुक के ओर से पेशी होगी और इस बारे में जवाब तलब किया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पेज पर रेप विक्टिम के परिवार की तस्वीर शेयर कर ली थी जो कि भारतीय कानून के खिलाफ है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। विजय लक्ष्मी, ये जो नोटिस भेजा गया है इनमें क्या बातें पूछी गई हैं और नोटिस में क्या जवाब मांगा गया है? देखिए, 17 अगस्त को 5 बजे जो है वो फेसबुक इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको तलब किया गया है NCPCR की तरफ से, और मामला कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, जिस तरह की एक दिल्ली की रेप पीड़िता के परिवार की फोटोज और उसकी जानकारी को साझा करने का आरोप जो है वो उनके ऊपर लगा है, इसके चलते उनका ट्विटर अकाउंट ऑलरेडी लॉक्ड है। अब फेसबुक को भी NCPCR ने तलब किया है इसी मामले पर। भारतीय कानून के मुताबिक ये वायलेशन ऑफ लॉ है, आप किसी रेप विक्टिम के परिवार की या खुद रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को जो है वो पब्लिक नहीं कर सकते हैं, भारतीय कानून के मुताबिक ये एक अपराध है। इसी के तहत NCPCR ने फेसबुक को जो है वो तलब किया है 17 अगस्त को। हालांकि वर्चुअली ये पेशी जो है ये फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव की होगी क्योंकि कोविड कॉल में। जी विजय लक्ष्मी, माफ करिए मुझे, आपको यही बीच में रोकना पड़ेगा। हमारे साथ NCPCR चेयरमैन प्रियंका कानून को जुड़ गए हैं, हम फिर से उन्हीं से इस बात का जवाब लेते हैं। जो आपने नोटिस भेजा है, NCPCR की ओर से नोटिस भेजा गया है, उनमें क्या बातें पूछी गई है? देखिए, हमने इंस्टाग्राम से बोला था कि जो वीडियो धारा 74 जस्टिस एक्ट और धारा 23 पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करके एक विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने का काम कर रहा है, उसको रिमूव करें। उनका जवाब नियत समय में हमको नहीं मिला, इसलिए हमने उनको सम्मन जारी करके कमीशन में उपस्थित होकर उसका जवाब देने के लिए कहा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो कानून है, क्या वो भारत के कानूनों को मानता है? और जिस तरीके से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम का क्या कानून है उसकी निगरानी करने का काम आयोग का नहीं है। आयोग का काम भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानून है उनकी निगरानी करने का है, और वो कानून उन्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो उनके विरुद्ध क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से क्या डिमांड करते हैं? हमने उनको स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि जो कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पे
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 74 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 का उल्लंघन कर रहा है, उसको तत्काल हटाया जाना चाहिए और उनका कोई एक्शन टेक्शन रिपोर्ट हमको नहीं मिला है, इसलिए हमने उनको सम्मन किया है। सम्मन पर उपस्थित होकर उनको बताना होगा। जी शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए प्रियंक साहब आपका। और हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली में एनकाउंटर की खबर आ रही है, इस पर पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।